Welcome to my YouTube channel. My name is Jaswir Singh. In this video, we are going to discuss ideas of an essay. The essay title is, Some people believe that women should be treated as equal to men when applying for a job with police or military. Others think women are less suitable. Women are not suitable. बस लेस ही जगह से नॉट होना चाहिए ना. वुमेन्स आर नॉट सुटेबल फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब. डिस्कस बोथ द व्यू एंड गिव योर ओपिनियन. सो पंजाबी दे विच स्टेटमेंट हैगी आ कि कुछ लोग कहते हैं कि जी वुमेन्स ने उन्होंने इक्वल अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए आ जदों वो मिलट्री या फिर पुलिस जॉब दे विच अप्लाई कर दिए ने या फिर उन्होंने इक्वल जन के जॉब्स अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ने इन दो स्पेशली इस तरह दी जॉब्स दे विच. हाउएवर जो अदर ग्रुप ऑफ पीपल आ वो कहना हैगा कि वुमेन की है सुटेबल नहीं हैगी पुलिस ते मिलट्री जॉब के लिए. क्लियर. सो डिस्कस बोथ द व्यू. ऐसे बिच आप की करते हैं, आप दोनों व्यूज एटलीस्ट डिस्कस करते हैं. बहुत जरूरी जो पॉइंट हैगा कि जो भी लोग ने क्यों एवं सोच रहे हैं, तो आप किसी जनरली आप एक साइड में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं, बट देर आर सम एसेज जिथे आप एक इंडिपेंडेंट भी ओपीनियन बना सकते हैं. जिते आप इंडिपेंडेंट ओपीनियन बना सकते हैं वो एक सब तो वीडी इंडीकेशन होंगी कि दोनों साइड से शुड हों. जैसे दोनों साइड से शुड हों उत्तर बहुत ज़्यादा चांस होंगे कि आप इंडिपेंडेंट ओपीनियन बना सकते हैं. जो कैन हों शुड हों पर इस ऐसे सिर्फ एक साइड से शुड आ दूसरी साइड से है नहीं. तो इस ऐसे आप एक साइड ही लै सकते हैं. चंगी गल एक साइड लवेंगे. मैं इस साइड एग्री करूँगा कि वूमेन अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए ने मिलट्री अते पुलिस जॉब दे विच. ठीक है जी. जो असी ऐसे लिखते हैं इस तरह का डिस्कस बोथ द व्यू ऐसे लिखते हैं अपने सैवी इंस्टीट्यूट दे विच, तो असी बीपी टू बॉडी पैराग्राफ टू दे विच अपना ओपीनियन पाने ते बॉडी पैराग्राफ वन दे विच असी ये चीज़ लिखते हैं कि दूसरे परसन की सोच रहे हैं. हुण जिहड़े दूसरे परसन आ जिहड़े कहिंदे आ वूमेन आर नॉट सुटेबल फॉर दिस जॉब, उन्हां दा मेन आर्ग्यूमेंट की होगा कि वूमेन फिजिकली फिट इनफ नहीं हैगियां टू परफॉर्म द टास्क ऑफ पुलिस एंड मिलट्री. जिहड़ियां जॉब्स ने ज़्यादातर फिजिकली डिमांडिंग होंदियां ने, तो जिहड़ियां वूमेन ने उस तरह के फिजिकल स्ट्रेंथ उन्हां कोल नहीं हुंदी हैगी, तो वह इन जॉब्स विच सरवाइव नहीं कर सकते ते अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकदियां. उन्हां दी सोच आ. ठीक है. आपां उन्हां दी सोच नूं स्पैकुलेट कर रहे हैं. बी केयरफुल. बच्चे जो ऐसे लिखते हैं समटाइम्स इस तरह का पॉइंट जिद एग्री भी नहीं है उत्थे भी आई इस तरह के वे प्रजेंट करते कि उन्हों का व्यू लग रहा हूँ, उन्होंने अपना व्यू लग रहा हूँ जो बंदा ऐसे लिख रहा वो किसी होर का व्यू नहीं लग रहा हूँ. बी केयरफुल. ये दूसरे वो ग्रुप का व्यू हैगा आ जोड़ा बंदा यह सोचता कि वूमेन सुटेबल नहीं हैगी. उन्होंने मेन आर्ग्यूमेंट की है कि वूमेन फिजिकली फिट इनफ नहीं, तो आर्मी तो मिलटरी के पुलिस फोर्स में अपन फिजिकली फिटनेस डिमांड करी जाती है जॉब के. हुण मैं इसे बीपी के अंदर अपना ओपीनियन दे सकता. हाउएवर आई थिंक इट इज़ अ बेसलैस आर्ग्यूमेंट. मैं कह सकता कि वूमेन दीज डेज फिजिकली फिट इनफ हैगियां ने, तो मैनु किसी भी इस एरिए कंपीट कर सकदियां ने. वूमेन अजक अच्छी डाइट लैके अच्छा जिम करके अच्छी जिम फैसिलिटीज है ने अपनी जी फिजिकल स्ट्रेंथ न किसी भी लैवल तक बिल्ड कर सकदियां हन ते कर रही हैं. ठीक है जी. तो फिजिकल स्ट्रेंथ वाले आइडिया मैंने इतने डिमोलिश करता है, डी काउंटर करता है, डी आर्ग्यूमेंट करता है. फिर मैं नवे बीपी जाऊँगा जिथे मैं जाके अपने आर्ग्यूमेंट करूँगा कि मैं क्यों लगता कि उन्होंने अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए हैगी है. जरा मेरा बीपी है बॉडी पैराग्राफ टू उसे जाके पहला मैं आर्ग्यूमेंट दूंगा. पहली गल कि उन्होंने राइट है इक्वली कंट्री सर्व करने बीइंग अ ह्यूमन, तो जे आप इस तरह उन्होंने इक्वल राइट देवे तो जेंडर डिस्क्रिमीनेशन एलीमीनेट कर दूगा सुसायटी, जिहड़ा कि यानी कि एक सुसायटी लिए चंगा शाइन हैगा है, चंगा साइन हैगा. तो मैं इस पॉइंट के उत्ते एक एलैबोरेट कर सकता. फिर सैकेंड मैं कहूँगा कि मिलट्री तो पुलिस फोर्स के बहुत सारिया ऐसा जॉब्स ने वैसे ऐसे टास्क ने जिथे अपन ऑलवेज फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत भी नहीं हैगी. तो क्यों नहीं कितने कहीं कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं. मान लो कोई क्राइम होया है किसी बच्चे के अगेंस्ट या किसी वूमेन के अगेंस्ट कोई क्राइम होया है या वूमेन विक्टम हैगी
ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੀਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਸ 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 ਵਿਕਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਮੇਲ ਮੇਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਛੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਪਥੀ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਵੂਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਟਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੂਮੈਨ ਇਕੁਅਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਵੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੂਮੈਨ ਖੁਦ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਉਹ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਫੀਮੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ, ਜੇ ਵੂਮੈਨ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ BP2 'ਚ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਰੋਂਗ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਲ ਫੋਰ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ। ਕਾਇੰਡਲੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਕਾਇੰਡਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਵਿਦ ਅਦਰਸ। ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ ਟੂ ਗਰੋ ਐਂਡ ਹੈਲਪ ਮੀ ਹੈਲਪ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਟੂ ਗਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਅਗੇਨ ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਟੂ ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ ਟਿਲ ਦਾ ਐਂਡ।